गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है मंडला से, जहां पर मां नर्मदा नदी के महास्मृति घाट में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर से संध्याकालीन पाँच चौकी महा आरती प्रारंभ की गई। पंच चौकी महा आरती की आयोजना के लिए संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। पंच चौकी महा आरती के लिए घाटों और पुजारियों का भी चयन कर लिया गया है। इतनी बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर प्रदेश के कृषि उत्पादक आयुक्त मोहम्मद सुलेमान ने मुख्य सचिव अशोक पणबाल के साथ जबलपुर प्रवास के दौरान सोमवार की शाम जिले के विकासखंड शाहपुर के ग्राम सुरई पहुंचकर यहां ट्रैक्टरों की हेडलाइट की रोशनी में किसान योगेश गोटिया के खेत में लगी पूसा 16 प्रजाति की अरहर की लहलहाती फसल का अवलोकन किया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर अच्छा कर करने वाले मिलर्स को प्रोत्साहित करें और नियम अनुसार कर नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश मंगलवार को मिलर्स नीति और धान ज्वार बाजरा के उपार्जन नीति की समीक्षा के दौरान दिए। अगली बड़ी खबर है गुना से, जहां पर शहर के कैंट इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है। उनका कहना था कि केमिस्ट्री टीचर उन्हें सही नहीं पढ़ाती है, घर से एक पेपर पर लिखकर लाती है और वही पढ़ा देती है, कई बार उन्हें गलत भी पढ़ाया गया है। छात्राओं ने टीचर को बदलने की मांग की है। अगली बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिनों की कथा और दिव्य दरबार यात्रा के बाद मंगलवार की सुबह बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मंगलवार की पेशी दरबार के पहले दिव्य दरबार लगाया। उन्होंने आगामी दिनों में होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जानकारी भी दी। अगली बड़ी खबर है सिवनी से, जहां पर जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मंगलवार को सहायक आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया को विदेशी मद भंडार कर सिवनी में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने मंगलवार को राजस्व महाअभियान 3.0 के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को तैयारी करने एवं भोपाल जिले को अभियान में टॉप पर लाने एवं RCSMS पोर्टल पर प्रगति लाने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर शिक्षण कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने मंगलवार को अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इसमें से 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, 1 शिक्षक को 2 वेतन वृद्धि असंचाई प्रभाव से रोक दी गई है तथा 1 शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर है गुना से, जहां पर मध्य प्रदेश के गुना जिले में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू धर्म की प्रतिमाओं के अपमान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां मरकबास क्षेत्र में स्थित हिंदू प्रतिमाओं को किसी ने जानबूझकर गंदगी और मेला लगा दिया, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पर उतर गए। दोस्तों, यह थी आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को सुनाई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है, वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के न्यू अपडेट के साथ।